ईश्वर का है, उसको मिलना योग्य है, हम उसको आशीष देता हूँ। धन्यवाद ईशु आज भी यह सुंदर समय मिले। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ लुका लुका 14 लूक चैप्टर 14 वर्सेस 25 से लेकर 27 तक 25 to 27। लुका 14:25 से लेकर 27 तक। जब भारी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनके उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन आज तक जिंदा है और कितना समर्थ है। आज मेरा कहना टॉपिक होगा, आर वी ए ट्रू डिसिपल ऑफ जीसस, क्या हम यीशु के सच्चे चेले हैं। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, तो यहाँ हम पाए हैं परमेश्वर का वचन, यीशु जब पृथ्वी में था भीड़ जो लोग उनका पीछे पड़े थे, क्योंकि वो स्वर्ग का संदेश लोगों को बता रहा था और लोग को चंकाए कर रहा था, तो अनेक लोग उनका चमत्कार उनका चंकाए उनका भला काम को देखकर उनका पीछे हो ले। यीशु ने एक बार मुड़कर पीछे मुड़कर लोगों को देखा और ये कहा, क्योंकि जून भेंट उनका पीछे लगी है लेकिन देखा तो कम ही लोग उनका चिल्ले हैं। वैसे आज भी जून भीड़ लोग प्रभु यीशु को पुकारे हों प्रभु को जानते हों लेकिन बहुत थोड़ी लोग उनका सच्चे चेले हैं। यीशु आज भी यह इंसान का मन हृदय को देखता है, तो इसलिए आज हम भी इस हम आज उसका वचन जब सुनते हैं तो आपने आप को बनाइए, आपने आप को पूछे कि सच्चे मैं यीशु का चेले हूँ, यीशु का चेला है। इससे हम आपने को पूछ सकता है, परमेश्वर आज भी हमसे कहे हैं, परमेश्वर आज भी हमसे बात करी है, क्योंकि उसका वचन यह जीवन है और यह आत्मा है। इसे जब हम परमेश्वर का वचन सुनता है तो महसूस करो, सोचो और आप महसूस करो, सिर्फ सुन के चुप बैठना, सुन के छोड़ना नहीं, महसूस करना है। जब आप परमेश्वर का आज भी परमेश्वर वचन सुन रहे हैं, आपका जीवन में आपका मन में ये बचित हो रहा है, बचित कर रहा है कि सच्चे मैं परमेश्वर का चेला है, मैं सच्चे परमेश्वर चेला है, मैं उनका आज्ञा को मान आज्ञा करी मानते मानता है, मैं उनको सच्चे से जाने हैं। यीशु मेरा मुक्ति देता, मेरे परमेश्वर मेरे लिए मरिया गलहर जी उठा, मैं सच्चे से विश्वास किया, मैं सच्चे उनका पीछे में चल रहा है, उनका चेला है, पूछ सकता हम ये पूछ सकता है। और परमेश्वर कहा, यीशु ने कहा है, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों भाइयों बहनों को इनकार ना करे, इन लोग अप्रिय ना करे तो मेरा चेला बन नहीं सकता। ये एक्टम यह एकदम गंभीर है, गंभीर शब्द है और ये एक गंभीर से सोचना, हल्का से नहीं लेना है। आज भेद रखना इधर कहाँ है, अप्रिय जानो अपना माता पिता को, अप्रिय जानो अपना पत्नी को भी, अप्रिय जानो अपना भाई बहन भाई भाइयों बहनों को, अप्रिय जानो अपना बच्चों को भी, अप्रिय जानो
मेरा चिल्ला बना चाहता है तो यहाँ आप ना सोचिए, सबको इनका करो, उनसे बात ना करो, उनको छोड़ो, ये बात नहीं है। ये किसी के लिए ये बात सोचा होगा, मैं ईश्वर का चिल्ला हूं आप तो छोड़ेगा, आप प्रिय जनो परमेश्वर कहा, इसलिए मैं उनको छोड़ेगा, उनसे बात नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ चर्च, मैं संगीत जा रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। अप्रिय जना मतलब है उनसे प्रेम करना है, लेकिन सबसे पहले स्थान परमेश्वर को देना, सबसे प्यार आपका सबसे पहला प्यार, पहले प्यार ईश्वर को देना, परमेश्वर को देना है, तो आप अद्भुत कार्य काम आपको जीवन में होते आप देखेगा। अपना माता पिता से भी पहले से और ज्यादा उनका प्रेम तो सच्चे बनेगा, अपना पत्नी से भी ज्यादा ज्यादा प्रेम होगा, और अपना बच्चों से भी ज्यादा प्रेम होगा। जब ईश्वर को पहले स्थान देगा, अपना भाई बहनों से भी प्रेम होगा, पहले अनबन दुश्मन था, अब उनसे मिल मिला होगा, क्योंकि आपने पहले स्थान ईश्वर को दिया, तो आप चमार कर देखेगा। ये है, इसे हम ना इसमें गलत सूची तो हम सुधारें, ताकि मैंने ईश्वर को चिल्ला बना है, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, भार नहीं करूँगा, मैं प्रभु सेवा करूँगा। आपने सबको बात करना इनकार कर दिया, उनसे उनको कैसे हालत है पता नहीं, आपने इनकार कर दिया, आप ईश्वर का चिल्ला बना है, ईश्वर के पीछे में आप जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, ऐसे आपने सोचा तो ये गलत, आप फिराओ, मन फिराना है, और ये गलत सोच अभी सीधा करना है, तुरंत सीधा करना है, क्योंकि ईश्वर से जो प्रेम करता है ये सच्चे प्रेम पाता है। आज हम जी रहे हो अपना के लिए नहीं, दूसरों के लिए हम जी रहे हैं, दूसरों का लाभ दे, उनका भलाई के लिए हम आज सोच विचार लेकर उनका उन्नति भारत के लिए हम जी रहा हूँ, अपना पड़ोसी का उन्नति भारत के लिए, अपना के लिए नहीं जी रहा हूँ। यह है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का प्रेम स्वार्थ प्रेम नहीं है, उदार प्रेम, लोग से प्रेम होता है, और हमारा परिवार, हमारा बच्चों, हमारे भाई बहनों से भी और अधिक प्रेम होता है। हमारा प्रेम ये एकता प्रेम सबके साथ बराबर प्रेम होता है। इसलिए सबसे पहले स्थान ईश्वर को देना है, तो आपके जीवन में, आपका लाइफ में, आपके जीवन में चमत्कार आप देख जाएगा। अपने आप को भी वरन अपना प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वे मेरा चिल्ला नहीं हो सकता। कहा है अपने आप को भी इनकार करना है। आज ये ज्यादा हो रहा है, अपने आप को प्रेम करना ज्यादा हो रहा है, स्वार्थी प्रेम आज दुनिया में भर जा रहा है। थोड़ा यहां में ध्यान देना, यहाँ थोड़ा खुशीदार रखना और ध्यान देना कि आपने आप को ज्यादा परमेश्वर से अपने आप को जो प्रेम नहीं रखा, यहाँ में जांच अपने आप को जांचो, तो आप यह समझ पाएगा कि आज इससे दुनिया में जो हो रहा है इससे आप बच कर रहना है। दुनिया लोग आप प्रेम अपने आप से प्रेम स्वार्थ प्रेम हो जा रहा है, तो हम उधर से चकते रहना, अपने आप को सुधरना और उसमें ना बसे, उससे हम भर कर रहना है, उससे हम बच के रहना है, उन लोग समान नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहा आपने आप भी इनकार नहीं किया तो मेरा चिल्ला बांध नहीं सकता। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। जब दिन मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ मेरे जीवन में दिखाई आपका इच्छा, मैंने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए मेरा सब कुछ मैंने देकर प्रभु से विनती की, उस दिन से आज तक मैं परमेश्वर की इच्छा में मैं चल रहा हूँ, और मैंने अपने आप को भी बैर रखा, अपने आप को इनकार किया, और अपना जीवन साफ साफ दिखा, परमेश्वर मेरा जीवन दिखाई दिया कि मैं कैसे हूं,
मैं आपना आज मेरा प्राण को मैं प्रभुता कर रहा हूं, मैं आपना प्राण को या प्रभुता कर रहा हूं, मैं आज अपना प्राण को मैं देख रहा हूं अपना प्राण कैसे चल रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे मुझ पर आया कि मैं अपना प्राण कैसे जी रहा है, परमेश्वर इच्छा में चल रहा है कि नहीं, मैं ठीक कर रहा है कि नहीं, गलत में पा रहा हूं नहीं, मैं या अपना प्राण को मैं देख रहा हूं, मैं उसमें परमेश्वर का वचन से मैं सुधार रहा हूं, उसमें से परमेश्वर का वचन अनुसार में मैं लेकर जल रहा हूं। मैं परमेश्वर का वचन दिया मेरे पांव के लिए ज्योति बना है, आज मेरा ज्योति है और मेरा मार्ग है, मुझे सीधा रास्ता में दिखा रहा है, मुझे ले जा रहा हूं, मैं इसलिए मेरे परमेश्वर को मेरा जीवन सौंपे देकर मैं कभी गलत नहीं होगा, गलत रास्ता पर नहीं चलूंगा मैं, और कभी मैं या गति नहीं होगा, कमी नहीं होगा, लेकिन मैं आज समय तक जहां मैं जा रहा हूं मेरे प्रभु के पास मैं पहुंचूंगा, पहुंचूंगा ये मेरा आशा है, क्यों मैंने मेरा आशा भरोसा पूरा प्रभु यीशु पर सौंप दिया हूं, ये मेरा जीवन में उस पर सौंप दिया हूं। प्रभु धन्यवाद, आज आपने आप में इंकार नहीं किया, आपने आप को भी या अप्रिया ना जाना तो मेरा चिल्ला बांधने सकता है, परमेश्वर ने कहा है। और दूसरे पॉइंट है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि आज हम मन बदले तो ये आप यीशु को सबसे पहले सामने रखे और अपना बच्चे अपना माता पिता अपना भाइयों बहनों और अपना वाइफ अपना पति से या अधिक प्रेम परमेश्वर से को रखे, परमेश्वर से प्रेम करें तो आपका परिवार में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मिल मिला प्रेम आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है अपना क्रोस उठाकर, और जो कोई अपना क्रोस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। आज हम क्रोस उठा रहे हैं, यीशु ने अपना क्रोस उठाया हमारे लिए, दुनिया के लिए उन्हें क्रोस उठाया, और आज हम भी यीशु का चेला बन के होने थे, हम भी क्रोस उठा रहे हैं, मुश्किल दुख सुख आप यीशु को जाने उस दिन कि आपको अपमान किया, आपको शर्म खिलाया, इन लोग भेद कर सामने से आपको दोस्तों सामने से आपको शर्म खिलाया, आपको धमकी दिया, लेकिन आपने चुप उनसे लड़ाई नहीं किया, उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप यीशु का चेला हो, आपने यीशु को जाना है तो ये है आपका क्रूस उठा रही है, लेकिन उस दिन किसी से आपने लड़ाई किया, उन्हें आपको जवाब दिया, आपने दो शब्द और उसको जवाब दे दिया तो आपका क्रूस नहीं उठाया, अभी उसका समय में लगभग लड़ाई हो गया तो आपका क्रूस उठाया नहीं, इसने कहा आपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो दे, आप मेरा चेला बन सकता है बना चाहता है तो आइए हम शिकायत न करें ये वो मेरे ये वो ये क्रूस है, आपका क्रूस उठाकर हे प्रभु यीशु मैं आ रहा हूं, मुझे रहम कर रह कर मैं यहां हूं, मैं चाहता हूं मुझे छुटकारा चाहता चाहता हूं, परमेश्वर दा मेरे दुश्मन को आशीष दे, आज मैं दुश्मन के लिए प्रार्थना करे, मेरे ऐसे समय आ गया भाई बहनों, मैं मेरा सितावर मेरा धमकी देने वाला आज मेरा इन उनके में प्रार्थना करे, कैसे मैं प्रार्थना करूं, आज मैंने ये सीखी है मेरे परमेश्वर से प्रभु यीशु से, ठीक है मेरे दुश्मन को आशीष दे, मेरे सितावर करने लोग मेरा मुझे धमकी देने वाले लोगों को वो आशीष दे, उनको अब हाथों में सौंप देता हूं मैं, और कुछ नहीं से उनको आशीष देना, क्योंकि आपने मुझे सिखाया तो मैं ये प्रार्थना आज मेरे दुश्मन को आशीष दे, मेरे सिद्धावाद मेरे धमकी देने लोगों को मुझे मुझ पर बुराई करने लोगों को आशीष दे, मैं आज ये प्रार्थना कर रही हूँ, आज समय मुझे इस समय आया है और मैं ये मेरा क्रोस में उठा रही हूँ भाई बहनों, तो यह है परमेश्वर आपने क्रोस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले तो मेरा चिल्ला बांध नहीं सकता, तो हम परमेश्वर का यीशु का चिल्ला है, हम उनको जाने हैं, हम उनका नाम से हमने बपतिस्मा लिया है
वहां पीछे हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसे अपना कौशल उठाकर हम उसका पीछे हो ले। आया मैं पढ़ना चाहता हूँ मत्ती 10 का, मत्ती 10 का 37, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है और मेरे योग्य नहीं, वे मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे मेरे योग्य नहीं। आमीन। यहां साफ साफ दिखा है तो हम, और फिर दिखता हम मत्ती 16 और 24 में भी, मत्ती चैप्टर 6 वर्स 24। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहां भी मिला है तो इसलिए आज दो पॉइंट से हम ये तीन पॉइंट है ताकि अपना परिवार से भी अधिक प्रेम इशू को रखना, सबसे पहले स्थान इशू को देना तो आपका परिवार से भी आप प्रेम हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है आपने आप भी इनकार करना, परमेश्वर का चेला बनना, आपने आप भी इनकार करना तो, और इशू को पहले स्थान देना तो आप परमेश्वर का चेला बन सकता है। और अपना क्रॉस उठाकर परमेश्वर के पीछे हो ले, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए क्रॉस उठाया। आज हम भी यीशु का महिमा के लिए हम भी अपना क्रॉस उठाइए, यीशु का चिल्ला होने दे अपना क्रॉस उठाइए तो हम जहां हमारा प्रभु है उससे हम जा पाएगा। यीशु आज आप भी हमारा साथ में, आत्मा में हमारा साथ है और हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना वो सुनता है, ध्यान से वो सुनता है। इसलिए प्रिय जॉन हम प्रार्थना करें अपना क्रॉस उठाकर, हम शिकायत ना करें और हम उसमें थक ना जाइए, आगे बढ़े। हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में तुरंत यीशु के पास ले आना। यीशु ने आपके लिए उठाई लिया वो क्रॉस, हमें लिए उठा लिया। आज आप जब क्रॉस उठाना है परमेश्वर का मन पसंद है, वो खुश है, और जो लेकर प्रभु आता है प्रार्थना में वो खुश है, वो आपको तगत भर देगा और आप थक ना जाएगा, आप उठेगा और उगाबुन जैसे आप वो सामान पहनेगा और उठेगा आगे बढ़ूंगा। और ये हम वो चाहिए जब तक हम हमारा स्वर्गीय घर, स्वर्ग पिता का घर जगह में हम ना पहुंचे तब तक हम यीशु का सहायता जरूरी है। इस दुनिया में हमारा क्रॉस को उठाना जरूरी है और प्रार्थना लगातार प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि हमारा अपने आप को इनकार करना हर पल हर समय हम अपने आप को इनकार करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कुछ में हमारे साथ में पास में यह परीक्षा आता है। इसे हर समय हम घोषणा करना, मैं परमेश्वर को चेला हूँ, मैं परमेश्वर को बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं परमेश्वर को धनता हूँ, यह इनकार करना और अपने आप को इनकार करके परमेश्वर का चेला बनना, उनका पीछे होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रार्थना, ये लगातार प्रार्थना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में लगे रहना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर का वचन है, हम सबको परमेश्वर आशीषित करें। आमीन।